डिजिटल क्रांति में बड़ी पहल करते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया, जिससे बैंकिंग संबंधी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इसे योनो नाम दिया गया। क्या फैसिलिटी आप शुरू की और क्या कैंपेन चलाया हुआ है SBI की तरफ से? ये जो योनो कैश की फैसिलिटी हमने चलाई है और योनो एप्लीकेशन जो है, योनो मीन्स यू ओनली नीड वन। देयर वेर अर्लियर काफी मल्टीपल एप्लीकेशन थे, तो जैसे पहले SBI क्विक थे, हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे किसी से आपको ट्रांजैक्शंस का डिटेल मिलता था, किसी से आप जो है सो शॉपिंग कर पाते थे। अब ये सारी चीज़ें जो है यू ओनली नीड वन एप्लीकेशंस में अवेलेबल है। इसमें आप बैंकिंग भी कर सकते हैं, आपका लाइफ स्टाइल के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वन एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। और इसके द्वारा जब आप किसी भी शॉपिंग चैनल पर जाते हैं योनो के द्वारा, तो काफ़ी सिक्योर साइट पे ही आपको ले जाने जाता है, बट इट इज़ हाईली सिक्योर्ड ऑल्सो। और अभी जो रिसेंटली जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके लिए आपसे मुलाकात हुई, हमारी योनो कैश के लिए, अभी हमारे सभी कस्टमर्स जो योनो कैश जो यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है कि कार्ड की जरूरत नहीं है। कार्ड यूज डोंट हैव टू यूज। कार्ड में नेचुरली क्या होता है कि अभी कार्ड खराब हो गए, पॉकेट में रखे दब गए, टेक्निकली एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है, या कार्ड आप भूल गए किसी और स्टेशन पे है और आपके खाते में पैसे हैं और कार्ड नहीं है, यू आर नॉट एबल टू विदड्रॉ फ्रॉम ATM। बट इन दिस केस योनो ऐप है तो कोई चिंता नहीं है। आप योनो कैश को क्लिक करिए। योनो कैश क्लिक करने के बाद वो पूछेंगे कि आप जो है सो कितना अमाउंट लेना चाहते हैं, वो अमाउंट डाल दीजिए। उस वक्त स्पेसिफिकली एक पिन आप अपने आप को जनरेट करना पड़ेगा। आप डालेंगे, जैसे 6 डिजिट का मैंने डाल दिया, 19-2070, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं ATM पे जाऊंगा तो एक OTP मेरे पास आएगा, उस OTP को डालूंगा योनो कैश सेलेक्ट करने के बाद, और ये जो हमने डाला अपना जो पिन बनाए थे और अमाउंट डाले तो पैसे निकल गए। उसके बाद ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस OTP से कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं होगा, यह ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक है। यह एक डिजिटल इंडिया में बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि जो क्लोनिंग जो जिस तरह की जो लोगों के माइंड में आ रहे थे कि भाई हमारे ATMs क्लोन हो जाते हैं, बदल लिए जाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम को रिड्रेस करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अकेला ऐसा बैंक है जो अभी इंडिया में इस स्कीम को लाया है। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनको कैसे फायदा होगा? उनको देखिए, सबसे बड़ी फायदा जो दूर दराज जैसे गाँव के लोग हैं, और आज मार्केट ओपन है, दिल्ली का कोई आइटम आपको बहुत अच्छा लगता है या आपको करनाल शहर का या किसी भी जगह पे अहमदाबाद में, तो आप शॉपिंग जो है योनो के द्वारा जाइए, परचेज करिए और नेचुरली आपकी होम डिलीवरी हो जाता है। इसमें बैंकिंग जो है आपको योनो एप्लीकेशन बहुत साथ दे रहा है। इवन दूर दराज के लोग हैं, उनको बहुत से प्रोडक्ट के विषय में डायरेक्ट एक्सेस यदि नहीं हो पा रहा है, इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वहीं बैठ करके वो अपना पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर सकते हैं, वहीं जा करके बैठ करके वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं, SBI Life में डाल सकते हैं, ये सारे वहाँ से बैठ कर ही अपने अकाउंट को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 24/7। ये दूर दराज के लिए तो बूम है, उनको तो जरूर। और सेकेंडली आपको एक बात और मैं बताऊँगा, जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल जो वर्क है ना, डिजिटल जो लिटरेसी है ना, वह नॉर्मल लिटरेसी से भी आसान है। नॉर्मली किसी को यदि आपको लिटरेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ना सिखलाना पड़ेगा, लिखना बोलना, ठीक है ना। डिजिटल में कुछ नहीं है, डिजिटल लिटरेसी में उसे पहचानना चाहिए और दबाने आना चाहिए, उसके डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पूरी हो जाएगी। यह इसकी बड़ी खासियत है, बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें मेंटली इसको एक्सेप्ट करना है। और हर डेवलप्ड कंट्री में आप देखेंगे मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और हमारे यहाँ भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, हमारे इंडिया में भी काफ़ी लोग इसके आगे आ रहे हैं, तो वी आर इन ए वे टू ग्रो फर्दर अहेड, काफ़ी आगे बढ़ने की के लिए डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्या सर अनदर बैंक के भी जो कस्टमर हैं उनके लिए भी लाभदायक है? अनदर बैंक के कस्टमर्स के लिए मतलब उनको उनके लिए लाभदायक इन द सेंस है कि यदि हमारे कस्टमर हमारे अकाउंट से दूसरे बैंक के कस्टमर्स के भी पास पैसा भेजना चाहते हैं तो उनके भी अकाउंट्स में पैसा चले जाएंगे, ठीक है ना, IMPS सिस्टम से उनके IFC कोड डाल करके। तो ये इंटीग्रेट सभी बैंकों में फंड भेज सकते हैं, तो दैट इज दैट वे दिस मनी कैन बी ट्रांसफर। मानते हैं बैंकिंग सेक्टर में एक बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और लोग इसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यूथ ही नहीं, I am telling you कि इसमें 70-70 ईयर्स के लोग इतने फॉरवर्ड आ रहे हैं, पेंशनर्स फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं कि यह फैसिलिटी मुझे चाहिए। क्योंकि इसमें एक और खासियत मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें प्री अप्रूव्ड लोन भी आ जाते हैं। यदि आप योनो एप्लीकेशन यूज करते हैं तो डिजिटल में आपके पास उसमें बेस्ड ऑन योर क्रेडेंशियल्स एंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ना, आपके उसमें आ जाते हैं कि इतना लोन आप ले सकते हैं। उसको आप क्लिक करते हैं तो बैंक जाने की जरूरत नहीं, आपको पर्सनल लोन आपके खाते में चले जाएंगे। दूसरा, इसके द्वारा यदि आप अपने FD के अगेंस्ट लोन लेते हैं
तो जनरली 1% ज़्यादा चार्ज होता है, इसमें 0.25% और कम लगते हैं। आपको FD बनाने की ज़रूरत नहीं है, FD इसमें फिक्स डिपॉजिट भी बना सकते हैं आप, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिना बैंक गए हुए आ सकता है। लास्टली एक बात आपको और कहूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक संबंध करके हम लोगों ने लॉन्च किया है। उसमें क्या है कि चूंकि डिजिटल इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं, तो नेचुरली कभी कभी लोग कहते हैं यार सभी लोग घर बैठ के ही काम कर लेंगे तो बैंक कैसे आएंगे। हमारे कुछ सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स होते हैं जिनको अच्छा लगता है बैंक में आना, चाय पीना और ट्रांजेक्शन करना, उनके लिए हम लोगों ने एक संबंध लॉन्च किया है जिसमें आप जाएंगे हमारे यहाँ सभी जगह पे एक आपको कंप्लेंट मिलेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट उनको टिक करनी है और उसको इमीडिएटली हम लोग एक दिन के अंदर रेस्पॉन्ड करेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हाउस लोन चाहिए आप उस पर हाउस लोन टिक करके बॉक्स में डाल दीजिए, उसका आप उन्होंने संबंध के नाम से यूज़ किया है तो वो आपको अभी हमारी सभी ब्रांचेज में विद इन 7 डेज रोल आउट हो जाएगी। 4-5 ब्रांचेज में हमने कर दिया है, मॉडल टाउन में हमने संबंध शुरू कर दिया है, मिनी सेक्रेटरीट में कर दिया है, बहुत सारी ब्रांचेज में कर दिया है इसको। थैंक यू वेरी मच। Forgot my ATM card, but still the cash was deposited. Okay. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई and I'm really satisfied कि मेरे को बैंक में नहीं जाना पड़ा, लाइन्स में नहीं लगना पड़ा, यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने कैश डिपॉजिट करा दिया है और बहुत इजीली सब कुछ हो गया। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सी अभी कुछ टाइम पहले ही आप लगाओ कि आधा साल हुआ था, मैं हार्डली 6 months की मैंने ज्वाइन किया है SBI को एंड आई एम रियली हैप्पी विद द सर्विसेज। उनका स्टाफ, उनका बैंक सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। एंड अभी उन्होंने ई कॉर्नर भी खोल दिया, आई एम रियली हैप्पी कि कस्टमर्स के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अगर आज आप ATM अपना भूल आए थे घर, तो फिर आपको क्या, किस मुश्किल का सामना? सीरियसली इतनी धूप में आना जाना बहुत मुश्किल है, मेरा छोटा बेबी भी है और मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई एम रियली हैप्पी कि यहाँ पे उन्होंने स्टाफ भी रखा हुआ है यहाँ पे जो हेल्प कर सके अपने कस्टमर्स को कि वो इजिली सब कुछ हैंडल कर सके। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम ऑल्सो कि उन्होंने मेरी हेल्प की और मैं इजिली अपना कैश डिपॉजिट कर। कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे इस तरह की? मैं कहना चाहूंगी कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक, प्लीज डू ओपन योर अकाउंट हियर एंड आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी यहाँ पे जो बाकी बैंक में भी नहीं मिलती। तो प्लीज अपने यहाँ पे बैंक में अपना खाता ओपन करिए और सारी सर्विसेज की यूज करिए। तो ये जो ऐप है इसमें सभी फैसिलिटीज हैं, अवेलेबल हैं जी। आपको सिर्फ क्या करना होता है, अगर आपके पास SBI अकाउंट है तो आपने योनो बाय SBI ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे अपनी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो आपको भरनी होंगी और आप इजीली अपना कैश क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, क्विक ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है, बिल्स पेमेंट करनी है, वो भी बहुत इजीली आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम कौनिका है और मैं यहीं करनाल से हूँ। चिराग जी, जो अभी आप बता रहे थे कि आप ATM कार्ड घर भूल आए हैं, तो अभी आप जो SBI के जो अधिकारी थे यहाँ पर, उन्होंने बताया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमारे को। तो आप जाते हैं एक बार निकाल, क्योंकि गर्मी में बार बार आना जाना बड़ा मुश्किल है जी। अगर आप निकल जाते तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं निकलते तो मैडम को कहेंगे एक बार हेल्प कर देंगे हमारे। तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? अगर क्योंकि ऐसा है ना सर, ATM कार्ड हर टाइम उठाया भी नहीं जाता, तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अगर ऐसे होता है तो जैसे कई बार हम ऑटो स्टेशन होते हैं तो ATM बंदे के पास नहीं होता, पैसों की जरूरत होती है, तो हम योनो कैश से किसी भी टाइम निकलवा सकते हैं। ATM से कई बार फ्रॉड भी हो जाते हैं? हाँ जी, ATM से फ्रॉड भी हो जाता है। ATM से फ्रॉड भी, कई बार बंदा ATM भी भूल जाता है मशीन में डाल के, जल्दबाजी में निकालना रह जाता है। तो कार्डलेस ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी सुविधा है, तो अगर देखते हैं अब हम निकाल के कैसा होता है। ठीक है।